हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 2। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इन विच एरिया इज गिवन। आपके पास एरिया गिवन है, रेक्टेंगल ऑफ एरिया गिवन है, इक्वेशन की फॉर्म में इनमें पॉलीनोमियल की फॉर्म में गिवन है 25a² माइनस 35a प्लस 12। लेंथ एंड ब्रेथ आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की फॉर्म में गिवन है, इट मींस जो इसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, जो हम फैक्टर फाइंड करेंगे वो एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। हियर 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये हमारे पास गिवन है। तो मैक्सिमम इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसके जीरोस कितने फाइंड होंगे हमारे पास? 2 जीरोस फाइंड होंगे। 1 जीरो इज लेंथ एंड अदर जीरोस इज ब्रेथ। तो इसके फैक्टर हम फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड यूज कर। स्प्लिट द मिडिल टर्म मेथड क्या होते हैं? देखिए, डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग पहले से ही अरेंज, फर्स्ट और लास्ट वाली जो टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम साइड में। प्लस 25a² मल्टीप्लाई प्लस 12, 25a² मल्टीप्लाई 12, तो ये आएगा हमारे पास 300a² मल्टी फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 300a². अब मिडिल टर्म हमारे पास माइनस 35a, इसके टू पार्ट्स ऐसे करेंगे जो प्लस माइनस करने पर तो हमारे पास माइनस 35a है और मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 300 आ गया। मिडिल टर्म हमारे पास माइनस 35a, इसके टू पार्ट्स करेंगे हम, प्लस माइनस करने पर तो माइनस 35a आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 300a² आना चाहिए। तो इसके टू पार्ट्स 20 एंड 15, 20 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ रहे हैं, और इसके साथ देखिए a भी है तो स्मॉल a भी लगाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास 300। लेकिन जैसे आपने टू पार्ट्स किए उसके साइन भी हमें लगाने, देखिए हमें रिजल्ट चाहिए माइनस का 35 है, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए और ये भी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज सेम साइन में ऐड होता है माइनस 20a और माइनस 15a, माइनस 35a आ रहा है और माइनस माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 300a² आ रहा है। तो इट मीन्स माइनस 35a के टू पार्ट्स ही हो गए, तो इसको पुट कर देते हैं हम, 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, 2 2 के पेयर बनाएंगे हम। फर्स्ट पेयर में देखिए कॉमन क्या आ रहे हैं, 5 5 से 25 भी डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है और साथ में a भी, तो 5a कॉमन ले सकते हो आप इसमें। जो चीज कॉमन होती है उसी के अंदर डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स को हम ये राइट करते हैं, जैसे हमने आपको ट्रिक बताई थी। 25a² में 5a का डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 5a, साइन माइनस का। 20a में 5a का डिवाइड करेंगे, a से a कैंसिल, 20 में 5 का डिवाइड किया 4, साइन माइनस का। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 3 3 से 3 में 15 का भी डिवाइड जा रहा है और 12 का, तो 3 हमने कॉमन लिया। माइनस का 3 हमारे पास कॉमन है माइनस 15a में, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी का डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स को राइट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 5 तो ये आ जाएगा प्लस का 5, प्लस के 12 में माइनस का 3a का, प्लस के 12 में माइनस 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए प्लस माइनस रिजल्ट तो माइनस आएगा, 3 4 माइनस का 4। तो याद रहे जब आप माइनस कॉमन लेते हो बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और प्रोसेस हमारे पास ये, अगर आप ये मेथड यूज करोगे कि जो चीज़ कॉमन लेते हो उसी का ही हमें डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स को यहाँ पर राइट करना होता है, तो कभी भी आपके पास मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आपको एक चीज़ याद भी रखनी है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो माइनस कॉमन लेते हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं ऑलवेज, तो ये प्लस का क्या हो गया, माइनस हो। अब देखिए 5a - 4 5a - 4 दोनों पेयर में हमारे पास नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है, 5a - 4 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 5a - 3 5a - 3। अभी क्या बोल रहा था, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ
ऑफ रेक्टेंगल इन विच एरिया इज गिवन। तो हमारे पास एरिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में था, इसके टू फैक्टर्स आए, एक तो हमारे पास लेंथ हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया ब्रेथ। लेंथ और दूसरा क्या हो गया ब्रेथ। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, चाहो तो आप इसको लेंथ अज्यूम कर लो, इसको ब्रेथ, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेंथ हमारे पास 5a-4 मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है हमारे पास 5a-3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा 25a² - 35a+12, दैट इज आंसर। तो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेंथ हमारे पास और एरिया गिवन था, तो जो इसके फैक्टर होंगे एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास गिवन इक्वेशन की फॉर्म बनेगी, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा।